हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा एक वीडियो लेकर के आई हूँ। आप टाइटल में देख के समझ ही गए होंगे कि ये कौन सा वीडियो है। ये कि पायल मैम कैसे अपने बाल को हेयर वॉश करने बताती, क्योंकि हेयर वॉश अगर प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो आपके हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होंगे और उसके बाद जो आपका रिजल्ट है, जो आप चाहते हैं कि इस ऑयलिंग के बाद मेरे बाल में शाइनिंग आए, स्मूथिंग आए, बाउंसी लगे, ये सब अगर हो तो आप फ्रेंड्स इस तरीके से आपको हेयर वॉश करना ही होगा। तो फ्रेंड्स चलिए मैं बताती हूँ कि आपको ये हेयर वॉश कैसे करना है। और आप अगर आप अच्छा लगेगा वीडियो तो ज़रूर आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये कैसा लगा। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए इस बताती हूँ कि हेयर वॉश आपको प्रॉपर तरीके से कैसे करना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आ गई हूँ बाथरूम में और मैं आपको, वैसे तो मैं हमेशा हर्बल शैम्पू ही यूज करती हूँ बालों के लिए, और मैम जो बताई हैं वो शैम्पू ही मैं यूज करती हूँ अपने बालों को धोने के लिए। तो आज मैं, मेरे पास खत्म हो चुका था, मेरा बनाया हुआ नहीं था। अगले वीडियो में मैं जैसे बनाती हूँ वो आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरह से मैं शैम्पू बनाती हूँ। तो आज मैं ले रही हूँ पतंजलि का सिकाकाई वाला हर्बल शैम्पू ही है फ्रेंड्स। ये भी बहुत अच्छा है, इफेक्टिव है। तो फ्रेंड्स आज मैं ये वाला शैम्पू यूज करूंगी अपने बालों में। आपको जो यूज करते हैं आप लोग वही यूज कीजिए। और किस तरह से, सिर्फ मैं ये बताती हूँ कि किस तरह से आपको बाल को धोना है। आपको पानी और कितना पानी आपको चाहिए, ये इतना चाहिए, और इसमें आप इतना सा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऑयल है तो शैम्पू आपको ज्यादा लगेगा, तो इसमें आप मिला लीजिए। डायरेक्ट शैम्पू नहीं लगाना है बालों में, नहीं लेना है, और इस तरह से ही धोना है। और फ्रेंड इसे क्या करना है कि आपको शैम्पू को मिला के, और जैसे आप, बहुत लोग क्या करते हैं कि इसको ऐसे करते हैं और इस तरह से बाल को धोने लगते हैं, तो इस तरीके से नहीं धोना है फ्रेंड्स, इस तरीके से धोना है। जैसे आप, ये है आपका हेयर, तो इस तरीके से आपको लेना है और पहले आपका जो आपको शैम्पू को लगा लेना है। और उसके बाद से आपको आगे करके और इस तरह से ही आपको वॉश करना है पूरा अच्छे से। और इसमें अच्छे से हल्के हल्के हाथों से आप बीच में मसाज भी कर लीजिए, क्योंकि अगर जो भी गंदगी आपके डर्ट से भीतर में बैठे हुए स्कल्प पे वो निकल जाए। और उसके बाद से आप अच्छे से पानी से धो लीजिए फ्रेंड्स इसे, और इस बहुत ही अच्छे से धोना है। और इसमें कंडीशनर का बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कंडीशनर तो ऑलरेडी ऑयल में इतना ज़्यादा है कि आपका बाल, उसके बाद आप देखेंगे कि कंडीशनर और इसमें क्या अलग अंतर होता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप धो लीजिए और टॉवल से आप इसे अच्छे से पोंछ लीजिए। आपको ड्रायर का इसमें लगाना नहीं है, आप इस तरह से नेचुरल तरीके से आप इसे सुखाइए। उसके बाद से ये मेरा हेयर वॉश ऐसे मैं करके आई हूँ अभी, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ हेयर ऑयलिंग का बहुत ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स हेयर वॉश करके मैं अभी आई हूँ, तो मैं आपको पीछे से आपको दिखा देती हूँ कि हेयर वॉश मैं इस तरीके से की हूँ, तो इस ऐसा आपका हेयर होगा फ्रेंड्स। आप छोटे और बड़े हेयर के पे मत जाइए, छोटा बड़ा हेयर अनहेल्दी रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर छोटा ही हेयर रहे और हेल्दी रहे तो वो एकदम परफेक्ट हुआ फ्रेंड्स। तो इसलिए आपको हेयर को लंबा और छोटा देख करके आप उसको जज मत करिए, छोटा हेयर भी हेल्दी रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स आपका ये देख सकते हैं मेरा मैं इस तरीके से कुछ भी करूँगी तो मेरा एक भी बाल नहीं आया है। तो ये मेरा हेल्दी हेयर है, और मैं जब से पायल मैम का रेसिपी अपने पे लगी हूँ तब से मेरा हेयर अच्छा हो गया है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा हेयर भी रफ रहता था, एकदम उलझ जाता था। आप ऐसे जैसे कीजिएगा आपका बाल उलझे नहीं, इस तरीके से जैसे आप इस तरीके से कीजिए तो आपका बाल कहीं भी उलझे नहीं और एक हेयर भी आपका निकले नहीं, तो वो हुआ हेल्दी हेयर। इसलिए आपको इस तरीके से ही वॉश करना चाहिए फ्रेंड्स। तो चलिए अगर आपको पसंद आए
तो लाइक करिए, और नहीं पसंद आए तो फिर भी कमेंट तो जरूर करिए, और उसके बाद थैंक यू, बाय बाय।